नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के लाल चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की भव्य झांकी निकाली और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित भी शामिल हुए। बता दें, कभी लाल चौक पर तिरंगा झंडा भी लेकर जाना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालु भक्ति भजन के बीच नाचते हुए नजर आए। कश्मीरी पंडितों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर धूमधाम से यात्रा भी निकाली और ऐसे में टंकीपोरा हब्बा कदल में स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्रीनगर के लाल चौक स्थित खंडागर पर धूमधाम से भगवान की शोभा यात्रा निकाली। ऐतिहासिक लाल चौक से झांकी निकाली गई और जिसमें लोग झूमते हुए भी नजर आए। ये जुलूस बता दें अमीर कदल पुल को पार कर जहांगीर चौक से गुजरा और फिर इस्कॉन मंदिर लौट वापस आया। ऐसे में धार्मिक यात्रा में बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद रहीं। लोगों ने पूरी यात्रा के दौरान खूब उत्सव भी मनाया, मिठाइयां भी बांटी और ऐसे में श्रद्धालुओं का कहना था कि 2 साल बाद उन्हें श्रीनगर में जन्माष्टमी का जुलूस निकालने की अनुमति मिली है। वहीं बता दें COVID-19 की वजह से 2020 में कोई भी जुलूस नहीं निकाला गया था। वहीं अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब सख्त लॉकडाउन की वजह से सभी आयोजनों को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लाल चौक श्रीनगर में हाथी घोड़ापाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी धूमधाम से कल पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। ऐसे में लाल चौक पर भी शोभा यात्रा निकाली गई, भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे, बच्चे मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के दौरान कृष्ण जन्मोत्सव में रात के 12 बजे भागवत भवन में हर तरफ राधे राधे के नारे गूंजने लगे। मंदिर में भगवान के जन्म की बधाइयां गाई जाने लगी और हजारों लाखों भक्त उस पल के गवाह बने जब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल को मंदिर के बाहर लाया गया, जहां उनका स्वर्ण रजत काम धीनु गाय के द्वारा दूध से अभिषेक स्नान कराया गया। जहां एक तरफ भजनों के सुर गूंजमान थे तो दूसरी तरफ मंदिर के सेवायत पुजारियों के मंत्र गूंज रहे थे। जो नारा जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया ये पूरा नजारा, क्योंकि पल उनके उस कान्हा के जन्मोत्सव का था जिसे देखने के लिए भक्त सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान के घर तक पहुंचे थे। वहीं अगर बात करें तो लड्डू गोपाल जी को हजारों मंत्रों के साथ विधि विधान से पंचामृत का अभिषेक कराया गया, तो वहीं हरिचंद्रिका पोशाक में दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने उनके दर्शन भी किए और ऐसे में तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में दर्शन करने लड्डू गोपाल के लोग वहां पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए गए थे। वहीं पूरे जब रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ तो पूरे मंदिर में राधे राधे के नारे भी लगते हुए सुनाई दिए। गोरखपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर में हर साल की तरह इस बार भी एडीजी जोन अखिल कुमार, डीजीआई रेंज और रविंद्र कौन, मंडल आयुक्त रवि कुमार, एनजी एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, सीओ कैंट एएसपी राहुल भाटी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें गोरखपुर के पुलिस लाइन परिसर के कृष्ण मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिसे भारतवासी पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पवित्र दिन को भक्त मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर उन्हें भोग लगाते हैं और इस दिन लोग अपने घरों में बाल गोपाल को दूध शहद पानी से अभिषेक कर नए वस्त्र भी पहनाते हैं। ऐसे में लोग खुशियां मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और ऐसे में ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और बच्चे भी प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में
साथ ही वहां पर बता दें कि कई बड़े अफसर भी मौजूद रहे थे। गोरखपुर की पुलिस लाइन का पूरा जो है वहां पर आयोजन किया गया था गोरखपुर की पुलिस लाइन में, और वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने कई कार्यक्रम किए, प्रस्तुतियां दी और ऐसे में भव्य कार्यक्रम किया गया। साथ ही बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण लीला संबंधित भव्य झांकियां निकाली गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर पुलिस अधिकारीगण और कर्मचारीगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी सह परिवार वहां पर मौजूद रहे। साथ ही वहां पर आसपास के लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। तो बता दें गोरखपुर के पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे में भक्त वहाँ पर पहुँचे थे और जो आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे थे उन सभी ने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कारों के में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान के दर्शन करने सोमवार को मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि 4 साल पहले 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था। फिर यहां के 7 पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थ स्थल घोषित किया और अब जनता की कामना है कि इस पवित्र स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री ना की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इन कार्यों से जुड़े हैं उन्हें अन्य कार्यों का प्रशिक्षण देकर उनका पुनर्वास भी किया जाना चाहिए, उन लोगों की व्यवस्थित रूप से काउंसलिंग की जानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि जो इस काम में लगे हैं उनके लिए दुग्ध पालन के छोटे छोटे स्टॉल भी बना दिए जाएं। तो ऐसे में मथुरा कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जिन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि मथुरा के 7 जगहों पर 7 इलाकों में गौ मांस और शराब पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और साथ ही उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया था। पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश रावत 31 अगस्त यानी कि आज चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे और कैप्टन और सिद्धू की बैठक करवा कर दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का प्रयास भी वो करेंगे। इसके अलावा रावत का एक अन्य बागी मंत्रियों और विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। बता दें आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां मुख्यमंत्री के कामकाज की शैली को लेकर लगातार हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान द्वारा कैप्टन को विधानसभा चुनाव का नेतृत्व सौंपने से कैप्टन खेमा काफी उत्साहित है। रविवार को ही सिद्धू के करीबी विधायक परगट सिंह ने हरीश रावत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि रावत को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव की कमान किसी भी नेता को सौंप सके। दूसरी ओर कैप्टन विरोधी खेमा भी हाईकमान के रुख से काफी आहत है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के सबसे करीबी विधायक परगट सिंह द्वारा पार्टी के महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए जाने के अगले ही दिन रावत ने साफ कर दिया कि पार्टी के पास पंजाब स्तर पर भी बहुत से चेहरे हैं। हालांकि उन्होंने परगट को भी मायूस न करते हुए कहा कि इन चेहरों में परगट का चेहरा भी शामिल है। तो ऐसे में आज हरीश रावत पंजाब पहुंचने वाले हैं और कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो अभी भी तनातनी चल रही है बैठक के दौरान उन दोनों के बीच जो मुश्किलें चल रही हैं, जो कलह चल रही है उसे सुलझाने की और ख़त्म करने की हरीश रावत कोशिश करेंगे। हालांकि इन सब के अलावा हरीश रावत की एक और अलग से बैठक है जो बैठक बागी विधायकों और बागी मंत्रियों के साथ होने वाली है।
देश में कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब कुछ विशेष ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गई है और आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेनें घोषित की जाएंगी। जी हां, इसीलिए त्योहार के दिनों में यात्रियों को अब ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा भीड़ पूर्व दिशा की ओर चलने वाली ट्रेनों में है। वही दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के समय पूर्व दिशा की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में जगह नहीं है और सभी ट्रेनों में सिर्फ कंफर्म टिकट लेकर ही यात्री सफर कर सकते हैं। ट्रेनों की संख्या कम होने से यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को घर जाने के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उत्तर रेलवे की ओर से 40 जोड़ी त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला कर दिया गया है। इनमें से कई ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही बाकी ट्रेनों की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं यदि जरूरत पड़ी तो विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही प्रत्येक रूट का सही से आकलन किया जा रहा है और त्योहार के दिनों में टिकट की दलाली करने के लिए भी दलाल सक्रिय हो जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई जा रही है और आरक्षण केंद्रों, रेलवे स्टेशनों के साथ ही ट्रैवल एजेंसियों पर भी नजर रखी जाएगी। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी बिहार, झारखंड, गंगिया, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, लक्षद्वीप, रायसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी हल्की बारिश संभव है। ऐसे में तेलंगाना, मराठवाड़, विदर्भ और उत्तरी कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें भी पड़ी। वहीं लखीमपुर खीरी, गोंडा, मैनपुरी और लखनऊ, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, कन्नौज, बहराइच, प्रयागराज, गाजीपुर, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में बारिश जो है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में। और ऐसे में मौसम विभाग ने मंगलवार को यानी कि आज राज्य के कुछ और जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से निकाल लिया है। यूएस जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पूरा होने और अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को निकालने के लिए सैन्य मिशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जनरल ने कहा कि अंतिम C-17 विमान को हामिद करजई हवाई अड्डे से 30 अगस्त को दोपहर 3:29 पर रवाना किया गया और इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया है और वो कतर में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में बता दें, जानकारी ये मिली है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हवाले से ये बात कही गई है। ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका हर उस अमेरिकी की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान से सैन्य निकासी पूरी होने की घोषणा के साथ ही जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने कहा कि जबकि सैन्य निकासी पूरी हो गई है, अतिरिक्त अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक मिशन जारी है। बता दें कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब कहा है कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। मैं अपने कमांडरों को अफगानिस्तान से खतरनाक निकासी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि 31 अगस्त सुबह का समय निर्धारित किया गया था, उससे पहले ही हमने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तो अफगानिस्तान में
जो अमेरिका के सैनिक तैनात थे और समय सीमा तय की गई थी अमेरिका की तरफ से कि 31 तारीख तक अमेरिका के सैनिक जो है वहां पर रहेंगे। अब उन सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया गया है। साथ ही अमेरिका ने ये बात ज़रूर बोली है कि अगर जो भी अमेरिकी नागरिक मदद चाहता है तो अमेरिका पूरी तरह से उसकी मदद भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि आज 9 नए जज पदभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमना उन्हें सुबह 10:30 बजे पद की शपथ भी दिलाएंगे। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं और उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे में 9 जज इस क्रम में शपथ लेंगे। उनके नाम हम आपको बता देते हैं। बता दें, जस्टिस एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी, जस्टिस हीमा कोहली, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस सी टी रविंद्र कुमार, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी, पी एस नरसिम्हा। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में बता दें ये सभी 9 जजेस हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं सुबह 10:30 बजे। और ऐसे में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होता है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग होगा। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में होगा और ऐसे में इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है। और पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। वहीं बता दें, कार्यक्रम में नए सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, अटॉर्नी जनरल, सॉलिटरी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी तमाम वकील वहां पर शामिल होते हैं और सभी नए जजों के परिवार और मित्र भी इसमें शामिल होंगे। बता दें, सीमित संख्या में अन्य वकीलों और मीडिया को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर छोटी छोटी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, जिसके लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनका यूपी में दौरा भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शर्मा की तरफ से 18 मंडलों का दौरा कर अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं आजमगढ़ मंडल जाने से पहले उनका आगमन मऊ जिले के डाक बंगले में हुआ, जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहना कर किया। वहीं अध्यक्ष की तरफ से मीडिया से बात करते हुए सपा बसपा के साथ साथ योगी सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। साथ ही किसानों के मुद्दे पर को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए किसानों का समर्थन कर उन्हें किसानों के साथ खड़े होने की बात भी कही है। गोंडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित करने पहुंचे बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सरकार पे हर 2 घंटे पर एक महिला के साथ दुराचार होता है। आखिरकार महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार इस तरीके से सरकार चला रही है। बीजेपी सरकार संस्कृति खत्म करने का काम कर रही है। संस्कृति खत्म होगी तो यहाँ वेद पढ़ने वाले, वेद पाठ कराने वाले नहीं होंगे। बीजेपी के लिए राम नाम भगवान नहीं, केवल वोट बैंक की राजनीति है और बैंक की राजनीति के लिए राम का नाम दिया जाता है। विदेशों से राम मंदिर के नाम पर वसूले गए चंदे का भी कोई हिसाब अभी तक नहीं बन पाया है। राम मंदिर नीम पूजन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। गोंडा में सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे कि बीएसपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में अब प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन किया जा रहा है और हर जिले के
यूपी के हर जिले में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में अब लगातार जो है सतीश चंद्र मिश्र बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को राम मंदिर के नाम पर भी ठगा जा रहा है और राम मंदिर के नाम पर विदेशों से चंदा भी मंगाया जा रहा है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसे में जमकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी यूपी की जनता को गुमराह कर रही है, साथ ही राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा जो लिया जा रहा है उसका भी हिसाब अभी तक नहीं मिला है। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां जो हैं वो सक्रिय होती नजर आ रही हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, और इसी को देखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। उत्तराखंड राज्य के गठन के करीब 21 साल पूरे हो चुके हैं। इन 21 सालों में प्रदेश की उपलब्धियों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मगर मुख्यमंत्रियों की लंबी फहरिस्त जरूर बनी है और उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का नाम जरूर बदला है। अब तक यहां 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और प्रदेश की सत्ता बस राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को भी कभी प्रदेश की जनता ने उठने ही नहीं दिया, लेकिन जो भी सत्ता में आया उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और लगातार ही मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदल बदल कर जनता को पूरी तरह से भ्रमित करके रखा। लेकिन एक मिथक के अनुसार उत्तराखंड की सत्ता में मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने वाली पार्टी ने रिपीट नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और पहले मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के नित्यानंद स्वामी रहे। 354 दिन में ही नित्यानंद स्वामी को हटाकर कमान भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दी गई। सिर्फ 123 दिन तक सत्ता संभालने के बाद चुनाव में उतरे कोश्यारी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की बागडोर नारायण दत्त तिवारी के हाथों में दे दी। मात्र नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे सीएम रहे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। बीसी खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और 800 से ज्यादा दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद खंडूरी को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंप दी गई। तीसरा विधानसभा चुनाव आने से पहले ही निशंक विवादों में घिर गए। बीजेपी ने फिर से खंडूरी को सीएम बना दिया और बीजेपी 2012 विधानसभा चुनाव फिर से हार गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी, राज्य की बागडोर विजय बहुगुणा को सौंपी गई। बहुगुणा 690 दिन तक सीएम रहे और इसके बाद बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। चौथे विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। 1453 दिन के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया और बीते मार्च में तीरथ सिंह रावत को कमान सौंप दी गई, जो सबसे कम समय 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। और अब जबकि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी में अटूट विश्वास है। तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पर भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, ये पार्टियों का एक अंदरूनी मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सामने बैठा हुआ एक बूथ का अध्यक्ष आज किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की चुनावी पिच पर अपने दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तराखंड में अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई है। भले ही बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनावी युद्ध से बाहर समझ रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ी है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से पूरी ताकत अपनी झोंक दी।
रही है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक समीक्षक भी पूरी गणना करने में अभी नाकाम है। यहाँ पे भ्रम चल रहा है कि हर बार सरकार लाओ, एक बार सारनाथ एक बार नागनाथ दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं। और पूरा इसको तोड़ा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पहली बात, 100% हमारी सरकार इस बार उत्तराखंड में आ रही है और कर्नल अजय कोठियाल पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी, और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा, तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि सब मनोबल के साथ, सब पूर्ण सहयोग के साथ एक ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वही मुख्यमंत्री 5 साल चलाएगा। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर अब आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी युद्ध के त्रिकोणीय कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बरकरार रहती है, या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिख देती है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए काशीपुर से नाजिम खान की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।